हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्य नारायण। आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारा लर्नन चैनल पे। हमेशा की तरह आज भी लेके आया हूं आप लोग के लिए एक शानदार ट्रिक, टिप्स एंड टेक्निक के साथ कुछ मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक वीडियो। ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो में मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है मैंने बताया था। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाइए लेसन वन को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज लेसन टू इंडस्ट्रियल मटेरियल का, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेसिकली दिस वीडियो के दौरान आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड कुछ मेटल्स जैसे कि मैं कह सकता हूँ लोहे का, आयरन, कॉपर जो तांबा कहते हैं, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड ब्रोंज जिसको कंसा कहते हैं, टाइटेनियम एंड लीड, ये जो हमारा मेटल्स हैं तो उसका प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, एंड उसके साथ साथ कुछ बेसिक टर्म्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि मेलियाबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ये जो हमारा नेचर्स होते हैं मेटल्स का, उसके बारे में आप लोगों को मैं आज अब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं एक शानदार हमारा एक अननोन फैक्ट्स है। क्या आपको पता है जो हम अल्मीनियम कहते हैं, अगर हमारा लैंग्वेज में उसको हम कहा जाता है तो ये उसका मतलब होता कि बिटर सॉल्ट, ओके। बट ये जो टर्म है ये लैटिन से डिराइव्ड हुआ है, जिसका नाम है अल्यूमेन से डिराइव हुआ है। यह है सच ए इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर देखा जाए इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर टू, कि हम सबको पता है कि हमारा ब्लड में एक हीमोग्लोबिन है, लेकिन ये सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमारा बॉडी में कुछ लोहे का मात्रा है। या हमारा बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो ब्लड में हमारा आयरन का मात्रा 3 to 4 ग्राम कंटेंट करता है ना इंटरेस्टिंग। यस, तो चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक था, शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है डेफिनेशन से। देखिए, अगर उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है, अगर मैं उसको एड्रेस करूं, कि सबसे पहले माइंड में आएगा कि फिजिकल का मतलब क्या होता है, कि हम अगर दूसरे को जब देखते हैं कि हम उसको स्ट्रक्चराइज कर देते हैं कि कोई एक हेल्दी है, कोई थिन है, लाइक दैट हम हमारा जो मेटल्स होते हैं तो मेटल का जो स्ट्रक्चर को देख के हम उसको डिफाइन करते हैं। सो अगर डेफिनेशन अगर देखा जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस इन व्हिच सब्सटेंस सच एज साइज, उसका स्टेट एंड उसका कलर, मास, डेंसिटी, स्ट्रेंथ को जनरलाइज करके हम उसको डिफाइन करते हैं उसका प्रॉपर्टीज को। मैंने आपको लोग के लिए दो कैटेगराइज कर दिया, एक मैंने बना दिया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मैंने और एक बना दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, कॉलर, टेम्परेचर, लोशर एंड हार्डनेस, ये सबको मैंने रख दिया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। इन अदर हैंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैंने रखा वॉल्यूम, मास, साइज, वेट एंड लेंथ, यानी कि बाहर से देख के मैं एक मेटल को एड्रेस या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्म के बारे में, जैसे कि सबसे पहला आता है कि मेलियाबिलिटी, ये बहुत बार उसी से क्वेश्चंस आता है, तो प्लीज स्किप ना करके इस टर्म के साथ आप जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं मेलियाबिलिटी। मेलियाबिलिटी मतलब होता है कि द मेटल्स कैन बी हार्म्ड इन टू थिन शीट्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, अगर मेटल को हम हार्म करते हैं या कुछ प्रेशर दे देते हैं तो ये क्या होता है, कुछ थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल तौर में मैं ले लूँ, सबको पता है कि हम एल्युमिनियम फॉयल जो यूज़ करते हैं तो ये पतला शीट में आता है, यानी कि कोई हमारा जो रोटी को हम ज़्यादा देर तक जो रखने के लिए जो एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, तो ये जो शीट बन जाता है कैसे बनता है, क्योंकि उसको कुछ प्रेशर करके, उसको मैसनेज करके हम उसको बनाते हैं। तो ये किस लिए बना, कि मेटल का जो मेलियाबिलिटी प्रॉपर्टीज के वजह से ये पॉसिबल हुआ। देन मेरा आ रहा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है एक मेटल को पतला सा ओयर में कन्वर्ट करना, तो मेटल के अंदर ये ऐसे प्रॉपर्टीज है ताकि हम उसको थिन ओयर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं।
अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, हमारा घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है जिस थ्रो से वो कैन से वायर या कंडक्टर्स, उसके अंदर जो कॉपर एल्यूमिनियम का स्ट्रैंड हम यूज करते हैं, उसका जो है जो मेटल है डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज के वजह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं, यानी कि हम कोई मेटल को फोर्स देके प्रेशर करके थिन वायर में हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये मेरा आता है पॉइंट नंबर टू पे। एंड पॉइंट नंबर थ्री मैंने ये बताया था कि कंडक्टिविटी। बेसिकली कंडक्टिविटी टू टाइप्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सेकेंड वन होता है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी। आखिर ये कंडक्टिविटी क्या होता है? देखो उसका अगर उच्चारण आप अच्छे से करोगे उनका जो डेफिनेशन अपने आप आ जाता है, यानी कि कंडक्ट करने का एबिलिटी, वी कैन से कंडक्ट करने का एबिलिटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट कर सकता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर किसी का गुड है यानी कि बहुत अच्छा कंडक्टिविटी है और जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से पास नहीं कर पाता है उसको हम कहते हैं वेरी पुअर कंडक्टिविटी। लाइक दैट थर्मल यानी कि हीट केस में भी सेम आता है, अगर कोई मेटल हीट को अच्छा से पास करवाता है तो उसको कहते हैं गुड हीट कंडक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, और जो अच्छा से पास नहीं कर पाता है उसको कहा जाता है पुअर कंडक्टिविटी। अगर मैं एग्जांपल तौर पर कुछ ले लो, लोहे को ले लो, लोहे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड अगर सिल्वर, सिल्वर उतना जल्दी गर्म नहीं होता है अगर कंपेरिजन दोनों को मैं करूँ। सेकेंड सेकेंड केस में अगर मैं ले लूँ ओयर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने का सक्षमता अगर मैं ले लूँ, हमारे घर पे जनरली हम कॉपर का ओयर यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा एल्युमिनियम कंपेरिजन में कॉपर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है? तो इस हिसाब से उनका जो एबिलिटी है डिफर करता है एनीवे, लेकिन हमारे जो मेटल्स है उसके अंदर ये एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी को एंड थर्मल को कंडक्ट करना। देन मेरा नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है लॉस्चर। लॉस्चर मतलब है कि शाइनी अपियरेंस, यानी कि कोई मेटल के अंदर क्या होता है कुछ लॉस्चर प्रॉपर्टीज या नेचर्स मतलब होता है मेरा शाइनी मतलब चमकना। तो अगर मैं एक एग्जांपल तरह पे ले लो स्टील को, पता है स्टील का ऊपर अगर हम कुछ यूवी रे डालेंगे या अल्ट्रा वायलेट रे या कुछ टॉर्च डालेंगे तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन आता है, तो लोस्चर मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो उसी को कहा जाता है लोस्चर। यानी कि मेटल का अंदर ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है अगर हम कुछ लाइट या यूवी रे देते हैं तो उसमें शाइनी अपीयरेंस आ जाता है। क्लियर? देन मेरा आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये भी एक मेटल का प्रॉपर्टीज है, उसका मतलब मुझे ये हमको ये बताता है कि जो हमारा मेटल्स होते हैं वो हैवी वेट को सह सकते हैं, यानी कि लोहे का ले लो या सिंपल चीज़ हम घर जो बाहर में एक टावर टू टावर जो कंडक्टर देखते हैं या वायर देखते हैं कितना हैवी लोड होते हैं फिर भी उतना जल्दी नहीं टूटते हैं। टावर टू टावर क्या होते हैं बाइंड स्ट्रांगली बाइंडिंग होते हैं, तो यानी कि जितना भी लोड दो उसका लोड सहने का सक्षमता ज़्यादा रहता है मेटल्स का, तो ये भी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टीज होता है, तो इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन मेरा आ रहा है सोनरस। सोनरस मतलब होता है कि अगर उसमें कुछ रिंगिंग साउंड निकलना, यानी कि अगर कोई मेटल को मेटल के साथ में अब स्ट्राइक करूँ तो उसमें क्या होता है कुछ साउंड रिफ्लेक्ट आता है, तो इसी को कहते हैं सोनरस। तो यहाँ पे एक ध्यान से रखिए सूर्य सर का एक छोटा सा ट्रिप से कि लॉस्चर एंड सोनरस ये दोनों पॉइंट्स को कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए क्या है लॉस्चर, एल एल स्टैंड्स फॉर लाइट। लॉस्चर मीन्स जहाँ अगर कोई मेटल में लाइट रिफ्लेक्स होता है या शाइनी अपीयरेंस होता है तो उसको कहते हैं लॉस्चर। सोनरस एस एल स्टैंड्स फॉर साउंड, यानी कि साउंड का रिफ्लेक्शंस, रिंगिंग साउंड का रिफ्लेक्शंस। तो एल एस में कन्फ्यूजन मत होइए, लाइट में जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाता है उसको लॉस्चर कहा जाता है, साउंड का रिफ्लेक्शन आ जाता है वहाँ पे हम सोनरस उसको कहा जाता है, तो इसी हिसाब से आपको याद भी रख सकते हैं। देन मेरा आ रहा है मशीनाबिलिटी। मशीनाबिलिटी मतलब होता है अगर कोई मेटल इतना जल्दी कट नहीं होता है, अगर आप देखे होंगे जो जो हमारा शीट्स होते हैं शीट को कट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप सिंपल घर पे जो यूज़ करते हो जी आई ओ आर यूज़ करते हो जो गैल्वेनाइज्ड ओ आर यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है
उसको कट इतना जल्दी नहीं होता है, इवन इफ प्लायर पे भी ट्राई करो उतना नहीं होता है। तो ये इनबिल्ट होता है हमारा मेटल के अंदर, ये एक वन काइंड ऑफ हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है जो इजीली कट नहीं होता है, उसको कहते हैं मशीनाबिलिटी। एंड और एक पॉइंट्स मेरा और एक प्रॉपर्टीज आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो शायद अगर आप उच्चारण अच्छा से करो कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसी से आपको डेफिनेशन अपने आप मिल जाएगा। मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना मेटल का अंदर प्रॉपर्टी से, अगर हम ज़्यादा देर तक आग में रखेंगे ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जिस प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल दौरान हम घर पे सोने का हार बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चराइज करके हम बहुत सारा गहना हम बना सकते हैं। लाइक दैट लोहे का बात ले लो, लोहे भी बहुत सारा चीज़ बन जाता है, हमारा ग्रिल बनता है उसको बेंड कर देते हैं। तो अगर ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसमें अंदर नहीं होता तो हम मेटल को करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो सिंपली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी एक प्रॉपर्टीज आ रहा है हमारा मेटल के अंदर। देन एक बात आ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी भी कुछ एक वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि डेंसिटी होता है सबका वेट वेरी करता है, सिमिलर नहीं होता। यू कैन से जैसे कि लोहे का वेट बहुत ज़्यादा होता है, सिल्वर का उतना डेंसिटी बहुत कम होता है, यू कैन से लो होता है ना। ब्रॉन्ज ब्रांस उसका कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो डेंसिटी भी वन काइंड ऑफ मेटल का प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है। एंड लास्टली और एक देखेंगे कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन का मतलब सिंपल चीज़ होता है कि जंग लग जाना, क्या उसको कहा जाता है, फिर से बता रहा हूँ, जंग लग जाना। देन रेजिस्टेंस यानी कि जंग लग जाना को जो रेजिस्ट करता है। अगर कोई गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है यानी कि ये कोरोजन को अच्छा से रेजिस्ट करता है, मतलब उतना जल्दी जंग नहीं लगता है। सिंपल चीज़, अगर हम लोहे को 2-3 महीने तक बाहर में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ जंग चार फेरी फिराल में लग जाता है, तो उसी को कहा जाता है कोरोजन। अगर तो इन से कोरोजन रेजिस्टेंस लोहे का हमारा वेरी पोर होता है, मतलब रेजिस्ट उतना अच्छा लोहे नहीं कर पाता है। तो वन काइंड ऑफ मेटल का ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेलियाबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, लॉस्चर, सोनरस, टेंसाइल्स, मशीनाबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉयलिंग, डेंसिटी एंड कोरोजन्स। तो ये था हमारा कुछ मेटल्स का प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आज हम बात करेंगे आयरन का प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जो हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं तो आयरन में उसी प्रॉपर्टीज का मात्रा कितना रहता है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोरोजन। आप सबको पता है लोहे को अगर हम बाहर में बहुत दिन तक रख देते हैं तो उसमें कोरोजन लग जाता है, तो उसका जो रेजिस्ट करने का पावर शक्ति आयरन का उतना नहीं रहता है, तो इनसे लो कोरोजन रेजिस्टेंस इन आयरन। देन सेकेंड जो अगर देखा जाए मेलियाबिलिटी का, ये मेलियाबिलिटी इन नेचर यानी कि उसको हम अगर हथौड़ा पे फोर्स डाल के पतला पतला शीट से कन्वर्ट कर सकते हैं तो मेलियाबिलिटी उसका अच्छा रहता है। अगर देखा जाए उसका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का सक्षमता कंपेरेटिवली ठीक ही है। एंड हीट का बात सबको तो पता है, आयरन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ताकि तो उसको हम बेंड कर सकते हैं। एंड अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात देखा जाए आयरन का, उसका 153 डिग्री सेल्सियस टू उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 2861 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैं पिक्चर में अभी दिखा रहा हूँ आपको, 153 डिग्री सेल्सियस तक तो अगर आप हीट करोगे तभी वो मेल्ट होने लगेगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका ठंडा होने के लिए 2861 डिग्री सेल्सियस लगता है। एंड सेकेंड जो चीज़ है मैग्नेटिक इन नेचर, सबको पता है हमारा जो आयरन होता है मैग्नेटिक की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा रहता है। देन रही बात डेंसिटी का, डेंसिटी मतलब उसका वेट, यू कैन से डेंसिटी यानी कि उसका अंदर में जो ओपाक चीज होता है बहुत स्ट्रक्चर बहुत टाइटली बॉन्ड होता है, जिसके चलते उसका वेट वैरी रहता है, वेट हैवी रहता है। एंड एट लास्ट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबको पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है कि हैवी सामान को पकड़ना, यानी कि लोहे का ये शक्ति हैवी लोड को सह सकता है। ताकि इसके लिए हमारे जो ट्रॉक ट्रैक्टर में हम क्या करते हैं, उसका जो डाला रहता है वो लोहे से बनता है। तो ओवरऑली आयरन का हम रेजिस्टेंस या जो करोजन रेजिस्टेंस के बारे में देखें, उसका मेलियबिलिटी प्रॉपर्टीज कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड मैग्नेटिक का, डेंसिटी का एंड टेंसाइल का प्रॉपर्टीज क्या है हम डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर का सबसे पहले देखते हैं उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है।
डेफिनेटली हाई है, क्योंकि सबको पता है हमारे घर पे प्राय मैक्सिमम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यार सब कॉपर का बना हुआ है। एंड आप सबको पता है कोई भी अगर हम एसी या कोई भी कुछ ग्राइंडर का रोटेटिंग पार्ट्स हम खरीदते हैं तो यहाँ पे हम मांगते हैं कि कॉपर वाइंडिंग होना चाहिए, क्योंकि कॉपर में जंग इतना जल्दी नहीं लगता है एंड ये सबसे गुड कंडक्टर होता है। तो नो डाउट हाई इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिविटी। देन अगर देखा जाए मेलियाबिलिटी एंड डक्टिलिटी का बात अगर देखा जाए, सबको पता है कि जो मेलियाबिलिटी होता है उसका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ताकि तो उसको हम पतला शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं एंड डक्टिलिटी ये भी होता है क्योंकि हम वायर में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर ये मेलियाबिलिटी एंड डक्टिलिटी का नेचर नहीं होता तो कपड़ को वायर में हम यूज़ करना बहुत टफ हो जाता हमारे लिए। देन हम अगर देखा जाए उसका हीट का बात, तो ये गुड हीट कंडक्टिविटी हीट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। एंड करोजन का बात अगर आ जाता है, करोजन को रेजिस्ट करने का पावर उनके पास बहुत अच्छा है, यानी सफिशियंट है, वी कैन से वहाँ पर उतना ज़्यादा जंक नहीं लगता है कहाँ पे कवर पे। देन अगर मैं देखूंगा मशीनेबिलिटी, तो गुड मशीनेबिलिटी होता है यानी कि बहुत जल्दी अच्छे से कट हो जाता है। एंड अगर मैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं, ये नॉन मैग्नेटिक होता है हमारा कॉपर्स। तो पिक्चर के तरफ अगर देखूं, सबको पता है ये जो वायर से कॉपर का वायर है एंड ये हमारा मशीनेबिलिटी होता है एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इसलिए पानी को हम बहुत दिन तक स्टोर रखे हम कॉपर वाला को यूज़ करते हैं, जिसको पीतल कहते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं उसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, मैं अगर कंपेयर करूं दूसरा मेटल के साथ, लेकिन मैग्नीशियम से अलावा उसका जो डेंसिटी है बहुत हल्का रहता है एल्युमिनियम का। देन मैं अगर बात करूं उसका जो लस्टर के बारे में, तो ये एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि स्पेशली यूवी लाइट में क्या होता है एक्सीलेंट रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका शाइन नेचर बहुत अच्छा रहता है एल्युमिनियम का। देन अगर उसका मैं ऑडरलेस का बात करूँ, यानी कि ऑडरलेस का मतलब होता है कि टेस्टलेस, कुछ टेस्टलेस नहीं होता है। एंड उसका कलर अगर देखा जाए सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है उसका कलर। नाउ डक्टिलिटी एंड मेलियबिलिटी, जो ये उसका डक्टिलिटी एंड मेलियबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल एल्युमिनियम शीट हम घर पे यूज करते हैं, जो हमारे रोटी या कुछ सब्जी को अगर थोड़ा देर तक गर्म रखने के लिए हम ये वाला फॉयल यूज करते हैं, और कैन से कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन में भी एल्युमिनियम यूज किया जाता है, तो कैन से डक्टिलिटी उसको हम पतला वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलियबिलिटी यानी कि शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक का बात देखा जाएगा, एल्युमिनियम का उतना नहीं है, और कैन से नॉन मैग्नेटिक्स। अगर मैं पिक्चर के तौर पर उन पर देखूँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर आगे बताया कि पेप्सी ढक्कन, यहाँ पे हम एल्युमिनियम का ढक्कन यूज़ करते हैं, एंड कंडक्टर एल्युमिनियम का कंडक्टर भी घर पे यूज होता है। ना अब हम बात करेंगे ब्रास के बारे में। ब्रास यानी कि तांबा, तांबा मेरा बताता है कि उसका मेलियबिलिटी बहुत अच्छा होता है, और अगर मैं कंपेयर करूँ ब्रोंज एंड जिंक, ठीक है, यानी कि उसको सीड्स में बहुत अच्छे से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ उसका मेल्टिंग पॉइंट्स एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, यानी कि कम हीट करने से यह मेल्ट हो जाता है। नाउ कंडक्टर का अगर मैं बात करूँ, हीट को अच्छे से ये कंडक्ट कर पाता है। एंड कॉस्ट, ब्रास का कॉस्ट इतना हाई नहीं रहता है, एंड ये फेरोमैग्नेटिक होता है एंड ये सोनरस होता है। सोनरस मतलब कि ज़्यादा दूर से हम ब्रास यूज करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंटल के लिए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ हमारा गिटार में ये ब्रास का यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इलेक्ट्रिकल का कोई सॉकेट या होल्डर देखे हो, ऐसे गोल्डन कलर का लगता है, ये मेरा ब्रास होता है, क्योंकि लो कॉस्ट में अच्छा हीट को पास करवाता है और लो कॉस्ट में अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, जिसके दौरान हम होल्डर पे इलेक्ट्रिसिटी में उसको यूज करते हैं। एंड स्पेशली सोनरस प्रॉपर्टीज के वजह से हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी उसको यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रोंज के प्रॉपर्टीज के बारे में। ब्रोंज जो होता है जिसको हम कहते हैं कंसा,
सबको पता है कंसा का जो बर्तन पहले जमाने में यूज होता था, कहीं कहीं भी अभी भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है उसका कॉलर, दिखने में गोल्डन जैसे लगता है, तो उसी सोच के उसके लिए कभी कभार हम यूज करते हैं। तो किनसे उसका कलर होता है, कॉपर कलर होता है। अगर उसका टेस्ट भी कुछ नहीं है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डरलेस, हम सबसे बड़ा चीज है उसका जानना जरूरी है मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड उसका जानना बहुत जरूरी है उसका डेंसिटी। अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात देखा जाए, ये वेरी करता है 913 डिग्री सेल्सियस टू 1050 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर डेंसिटी अगर देखा जाए 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड सबसे बड़ा चीज होता है ब्रोंज इज हाईली डक्टिलिटी, एंड इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है। एंड लास्ट सब अगर उसका देखा जाए मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज, ये मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये था ओवरऑली ब्रोंज का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि हम सीखे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एंड ये डक्टाइल होता है इन नेचर, एंड कंडक्टर को और हीट को भी बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, एंड वो कैन से नॉन मैग्नेटिक होता है। पिक्चर तो हमने देख सकते हैं कुछ नॉट एंड बोल्ट ब्रोंज का यूज होता है। नाउ अब हम बात करेंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम जो होता है ये मेटालिक लॉस्टर एंड हैज डक्टिलिटी इन नेचर्स, नेचर में क्या होता है डक्टिलिटी होता है एंड लॉस्टर होता है, लॉस्टर मतलब कुछ सही नहीं उसमें अपीयरेंस आता है, एंड उसका डेंसिटी उतना अच्छा नहीं होता है, यूकन से लाइट वेट होता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, मतलब उनके अंदर में जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड होता है बहुत टाइटली होता है। एंड करोजन का अगर बात देखा जाए, गुड करोजन रेजिस्टेंस, यानी कि उसमें उतना जल्दी करोजन नहीं लगता है, एंड थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी का बात अगर देखा जाए उतना अच्छा नहीं है, कैन से पोर इन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, एंड क्योंकि उसके अंदर कुछ प्लास्टिक का कुछ मात्रा रहता है, वो कैन से टाइटेनियम इज द फॉर्म ऑफ द प्लास्टिसिटी, दैट्स वाई वो कैंट यूज दिस इन दिस इलेक्ट्रिकल एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और पिक्चर तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा टर्बाइन होता है टर्बाइन ब्लेड में हम टाइटेनियम को यूज कर सकते हैं। नाउ एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ लीड के बारे में। लीड जो होता है दिखने में ब्लूइश व्हाइट होता है एंड लस्टर होता है, ये ऐसा एक मेटल है, एंड अगर उसका मेलियाबिलिटी नेचर देखा जाए हाईली ज़्यादा होता है, यानी कोई कैन से हाईली मेलियाबिलिटी, यानी कि उसको हम छोटा सा या कम एफर्ट में कम फोर्स में पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डक्टिलिटी अगर देखा जाए, डक्टिलिटी सेम चीज़ बहुत ईजिली है बेंड हो सकता है, एंड लाइक दैट हमारा टाइटेनियम लीड भी लाइक दैट उतना अच्छा कंडक्टिविटी नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को एंड थर्मल को। तो ओवरऑली ये था कुछ मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फाइनली आज का वीडियो में हमको ये सीखने के लिए मिला कुछ मेटल्स का प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका पेरिफेरल स्ट्रक्चर को लेके, इवन इसको मैंने टू कैटेगराइज किया था, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, एंड कुछ ब्रोंज का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि उसका 950 डिग्री सेल्सियस टू 1050 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ब्रोंज इज ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, एंड कैन से कुछ न्यू टर्म के साथ हम सीखे अक्वेंटेड हुए हैं, जैसे कि लोस्चर क्या होता है, सोनरस क्या होता है, ब्रोंज कहाँ पे यूज होता है। तो आई होप आज का क्लास आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया होगा, अगर है तो आप देखिए आपको नॉलेज को चेक कर लीजिए, मैंने 4 क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखा हूँ, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा दिमाग को लगा के आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आयरन हैज ए रिलेटिवली डेस मेल्टिंग पॉइंट, आयरन हैज ए रिलेटिवली डेस मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो सकता है, हाई या लो, जीरो, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, कैन बी हैमर्ड इन टू थिन शीट्स, कैन बी कट इजीली, कैन होल्ड हैवी वेट्स। सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, 1 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, लस्टर मीन्स साइनी अपियरेंस, लस्टर मीन्स साइनी अपियरेंस,
ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन नंबर फोर, ब्रोंज इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ब्रोंज इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ट्रू या फॉल्स? नाउ अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। अगर अभी भी फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को और एक बार प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं एंड कोशिश कीजिए उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।